मैं यहाँ बना रही हूँ बेबी फूड रेसिपी सूजी से, तो ये बहुत ही झटपट बन जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए हम अपनी फटाफट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पे अपना पैन चढ़ा लिया है। तो यहाँ मैंने डाला है देसी घी 1 चम्मच, इसमें मैं डालूँगी 1 पिंच राई। इसके बाद मैं डाल दिया मैंने सूजी। यहाँ मैं सूजी में थोड़ा सा ले रही हूँ, सूजी मेरा रोस्ट किया हुआ है। अगर आपका सूजी रोस्ट नहीं है तो आप इसी समय अपना सूजी रोस्ट कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं सूजी रोस्ट होने में। तो यहाँ मेरा सूजी ऑलरेडी रोस्ट है, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। पानी मेरा थोड़ा सा जब बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी जीरा पाउडर। अब मैं डाल दूँगी इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब मैं इसे अच्छे से बॉईल करने देती हूँ। थोड़ा सा बॉईल अगर हो जाए तो मैं यहाँ पनीर डालूँगी। पनीर को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है, इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। इसे बस पनीर डालने के बाद 2 से 3 मिनट पकाना है। तो ये आपका झटपट बेबी फूड बन के रेडी हो जाता है और ये बहुत यमी है और हेल्दी रेसिपी है। तो आप अपने बच्चे को ये रेसिपी बनाएं, खिलाएं और ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए बेबी फूड रेसिपी हमारा बन के रेडी हो गया है और कितना थिक है। अगर आपको और भी पतला चाहिए या अपने बेबी का कंसिस्टेंसी, तो ये 1 ईयर बेबी से एबव आप अपने बच्चे को एकदम आराम से खिला सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।